हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज आप बात करेंगे जीएनएम सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस जो है उसका मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लेट्स हम बात करेंगे सिस्टम से, सिस्टम वाइज ऑर्डर की बात करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के हमने बता रखे हैं। सबसे पहले जो हमारा जो सिस्टम डिसऑर्डर है जो है रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन निमोनिया, इसकी एटियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट तो आपको हर हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। जैसे कि बड़े क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना ही है। इसके बाद डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा, टाइप्स क्या है और साइन एंड सिम्टम, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सप्लेन अबाउट क्रॉनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिसऑर्डर क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है इससे, डिफाइन टीबी, ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, इसके बाद कॉजेज क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम डॉट्स थेरेपी की बात भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन प्लूरल ड्रेनेज प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्लूरल ड्रेनेज क्या होता है इस तरह से। अब सेकेंड जो है हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसके बाद इटियोलॉजी इसकी क्या है, साइन एंड सिम्टम और इसका मैनेजमेंट। इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है लीवर सीरियोसिस, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, मेडिकल एंड सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अपेंडिसाइटिस क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होता है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्रॉनिक और अक्यूट दोनों टाइप के होते हैं। तो टाइप्स और साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन और इसका मैनेजमेंट, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और लीवर सीरियोसिस। और जो रेस्पायरेटरी जो है उसमें है ब्रोंकियल अस्थमा और ओ सी ओ पी डी। इसके बाद जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर था उसमें डिफाइन डायबिटीज मलाइटस क्या होता है, इसके बाद इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, टाइप्स इसके, साइन एंड सिम्टम और इसके मैनेजमेंट। इसके बाद जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन अबाउट कुशिंग सिंड्रोम एंड इट्स मैनेजमेंट, कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके बारे में लिखना है, इटियोलॉजी क्या होती है, इसके बाद उसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, वो हमको इसमें लिखना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर से वो होता है एडिशन डिजीज और साइन एंड सिम्टम और इसके मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर में डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस को भी आप देख लीजिए, साथ ही इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी क्वेश्चन इंक्लूडेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जो ग्रीन टिक करके वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो यूनिट हमारी है फर्स्ट से थर्ड उसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट से थर्ड यूनिट है, एक से थर्ड यूनिट उसमें। इसके बाद डिफाइन पेन, टाइप्स ऑफ पेन एंड पेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक्सप्लेन एडिमा, एडिमा क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट। ठीक है, और नर्सिंग प्रोसेस जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा नर्सिंग प्रोसेस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें डिफाइन हेड इंजरी, टाइप्स ऑफ हेड इंजरी एंड इस मैनेजमेंट और इसका जो है मैनेजमेंट लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड है जो हमारा सेरिब्रो वस्कुलर एक्सीडेंट, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद स्टेजेस इसकी दे रखी है और साइन एंड सिम्टम और इसका मैनेजमेंट। ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में वो है डिफाइन मेनिंजाइटिस, टाइप्स
एंड साइन एंड सिम्टम और इसके मैनेज इसका मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन फोर्थ है वो है एक्सप्लेन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है और इसके इसके बारे में लिखना है। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है इंसेफेलाइटिस, इसके बाद इसका इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम और इसका मैनेजमेंट। ये था हमारा न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसके अंदर मेन क्वेश्चन। और किडनी डिसऑर्डर जो रिनल डिसऑर्डर है उसके बाद है, जिसमें व्हाट इज अ नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस क्या है, टाइप्स इसके, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके बाद कॉजेस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, साइन एंड सिम्टम क्या है और इसका मैनेजमेंट। इसके बाद जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन अबाउट रिनल कैलकुलाइज, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिनल कैलकुलाइज, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद और है जो है क्रोनिक रिनल फेलियर, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, किसमें, ये क्रोनिक रिनल फेलियर में। अदर जो क्वेश्चन है सिक्स यूनिट से, फिफ्थ सिक्स यूनिट से, वो है प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है उसके बारे में लिखना। इसके बाद हाइपरनेट्रीमिया और हाइपर केलीमिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर बन सकते हैं। इसके बाद है जो क्वेश्चन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जो इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, टाइप्स इसके और मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी से। आई होप यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले। थैंक यू।